चिंटुआ के पापा, अरे ओ चिंटुआ के पापा, चिंटुआ के पापा जल्दी यहाँ आओ, मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। अरे क्या हुआ चिंटिया के मम्मी? चिंटुआ के पापा, लगता है चिंटुआ के बाबू का आने का समय हो गया है। क्या? अरे तो जल्दी चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, तो कैसे डॉक्टर के पास जाऊंगी? रुको चिंटू और चिंकी को भी बुला कर लाता हूँ। हाँ जल्दी जाओ। ठीक है जाता हूँ, तुम बिल्कुल मत रोना। चल मेरा घोड़ा टिक टिक टिक, चल मेरा घोड़ा टिक टिक टिक। तुम कितना भी तेज अपना घोड़ा चला लो चिंटू, जीतेगा तो मेरा ही घोड़ा। और तेज चल मेरा घोड़ा, तुम दोनों आपस में ही लड़ते रहो। और इधर देखो मेरा घोड़ा तुम दोनों से आगे चल रहा है। लगता है मेरे घोड़े ने आज घास कम खाया है, नहीं तो मेरा घोड़ा कभी हारता नहीं है। तुम्हारा घोड़ा घास भी खाता है क्या चिंटू? हाँ खाता है। अरे चिंटू और चिंकी, तुम दोनों यहाँ पर हो और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या हुआ पापा? जल्दी चलो, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई है। उसे जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। क्या? अरे तो जल्दी चलो पापा, मैं जल्दी से टेम्पो लेकर आता हूँ। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, चिंटुआ का बाबू आने ही वाला है। जल्दी से टेम्पो में बैठाओ। अब टेम्पो को चला कलुआ। वो रहा हॉस्पिटल, वहीं पर टेम्पो को रुका कलुआ। ठीक है चिंटुआ के पापा। चिंटू और चिंकी जल्दी इधर आओ और अपने मम्मी को हॉस्पिटल के अंदर ले चलो। तुम सब इन्हें यहाँ सुला कर बाहर जाओ। चिंकी, अब हमारा एक छोटा सा बाबू आएगा और मैं उसके साथ खूब खेलूंगा। हा? और बाबू के साथ मैं भी खेलूंगी। बाबू के रोने की आवाज आई चिंकी। मुबारक हो बेटा हुआ है। हा? हमारा बाबू आ गया, हमारा बाबू आ गया। चल चिंकी उसे देखते हैं। अरे क्या कर रहे हो, रुक जाओ, अभी तुम अंदर नहीं जा सकते। चल भाग यहाँ से, तेरा काम खत्म हो गया। अरे दादा मार दिया। वाओ कितना सुंदर है मेरा बाबू। रुको मैं इसे छू कर देखता हूँ। बापरे मार दिया। चिंकी अब तुम छूओ। नहीं मैं नहीं छूंगी, ये बहुत ही हरामी बाबू है, मारता है। रुको मैं छूता हूँ, आखिर में मैं इसका बाप हूँ, ये मुझे नहीं मारेगा। आ? अरे मेरा सोना बच्चा कितना प्यारा है रे तू। अरे दादा ये तो सच में हरामी बाबू है, बताओ अपने बाप को ही मार दिया। अरे इसे अभी टीका लगाना बाकी है। इसका पैर पकड़ के इसे उल्टा लटकाओ, मैं इंजेक्शन लगाता हूँ।